चलिए भाई दोस्तों, करते हैं हमारा नेक्स्ट जो लिटरेरी टर्म है अलिटरेशन, वो आज हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं हमेशा की तरह अलिटरेशन क्या होता है। अलिटरेशन आज हम पढ़ रहे हैं, अलिटरेशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में जो है पढ़ने का काम रहेगा। देखिए, किसी भी पोइटिक लाइन में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं या कहीं पर भी जो वर्ड्स लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो किसी पोइटिक लाइन में हो या फिर कहीं पर भी किसी लाइन में अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स की अगर रिपीटेशन देखने को मिलती है, कहीं पर भी किसी भी लाइन में अगर आपको जनरली कॉन्सोनेंट साउंड की अगर रिपीटेशन देखने को मिलती है, तो उसे ही हम अलिटरेशन कहते हैं। क्या? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड को ही अलिटरेशन कहते हैं। यानी कि बार बार अगर कॉन्सोनेंट साउंड कहीं पर किसी लाइन में अगर रिपीट होती है, रिकरेंट फॉर्म में अगर आती है, रिकरेंट मतलब बार बार आना, रिकरेंट फॉर्म में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड अगर आती है, तो उसे ही हम अलिटरेशन कहते हैं। अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस वर्ड के ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा अपना, साउंड के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, लेटर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, एल टी एम एन इनके बारे में बात नहीं हो रही है, साउंड के बारे में बात हो रही है, जैसे ल की साउंड, म की साउंड, ट की साउंड, च की साउंड, प की साउंड, इस तरह से। तो किसी भी लाइन में अगर कहीं पर भी आपको किसी लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड की अगर रिपीटेशन देखने को मिलती है, वो भी पर्टिकुलरली किसी भी वर्ड में, किसी लाइन में और या फिर किसी नियर बाय वर्ड्स में, नियर बाय वर्ड्स मतलब जैसे दो वर्ड साथ में लिखे हुए हैं, तो इस वर्ड में भी कोई पर्टिकुलर साउंड, कोई कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर आ रही है, और इसके पास वाले वर्ड में भी अगर कोई पर्टिकुलर साउंड आपकी ऐसी आ रही है जो मैच कर रही है या बार बार रिपीट हो रही है, या इसके आगे वाले वर्ड में भी अगर आपको कोई ऐसी साउंड ऐसी मिलती है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ल होता, लव, लाइन, लेंथ, जी टी एच, तो यहाँ पे ल, यहाँ इस वाले वर्ड में भी ल की साउंड, और दूसरा वर्ड जो आ रहा है नियर बाई, इसके पास वाले वर्ड में ही यहाँ पर भी ल की साउंड, लेंथ, यहाँ पर भी ल की साउंड। तो नियर बाई वर्ड्स में या किसी लाइन में जो शब्द लिखे जाते हैं, उन शब्दों में कहीं पर भी किसी भी तरह की लाइन हो, अगर उस लाइन में, उन शब्दों में, आसपास के शब्दों में, एक सीक्वेंस में अगर कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है, तो उसे ही हम अलिटरेशन कहते हैं। क्या कहा है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी भी लाइन में जो शब्द लिखे होते हैं, उन शब्दों में पास लिखे हुए, आसपास लिखे हुए शब्दों में, एक सीक्वेंस में अगर कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है, तो उसे ही हम अलिटरेशन कहते हैं। और जनरली ऐसा माना जाता है कि रिपीटेशन ऐसे ही लेटर की होनी चाहिए या ऐसे सिलेबल की होनी चाहिए जो स्ट्रेस्ड फॉर्म में हो। जनरली जो रिपीटेशन होनी चाहिए ना, वो किसी ऐसे सिलेबल की होनी चाहिए, जनरली जो रिपीटेशन होनी चाहिए वो किसी ऐसी साउंड की होनी चाहिए जो कॉन्सोनेंट तो हो लेकिन स्ट्रेस्ड सिलेबल के रूप में हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लव देखिए आप, लव, लव, तो ये ल के ऊपर यहाँ पे स्ट्रेस है, लव, लाइन, ल के ऊपर स्ट्रेस है, लेंथ, ल के ऊपर स्ट्रेस है, तो इसका मतलब रिपीटेशन तो कॉन्सोनेंट साउंड की रहेगी लेकिन जनरली वो स्ट्रेस्ड सिलेबल होना जरूरी है, जनरली, है ना। तो ये चीज को ही अपन अलिटरेशन कहेंगे, क्लियर है, बस यही अलिटरेशन होता है। अब पढ़ते हैं अपन, देखिए,
अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। कहीं पर भी किसी भी तरह की लाइन में अगर आपको नियर बाय वर्ड्स, ये इस तरह से नज़दीक में आसपास लिखे हुए किसी लाइन में अगर कोई शब्द मिल जाते हैं अगर, तो उन नियर बाय वर्ड्स में यानी कि उन पास पास लिखे हुए शब्दों में एक सीक्वेंस में, एक निश्चित क्रम में अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन होती हुई अगर नज़र आती है तो उसे ही हम अलिट्रेशन कहते हैं। ये देख लीजिए भाई, नियर बाय वर्ड्स में एक सीक्वेंस में कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन हो रही है तो इस कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन को ही हम अलिट्रेशन कहेंगे। ये देखिए ल की साउंड, ल की साउंड, ल की साउंड। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, साउंड बोला है मैंने, साउंड, लेटर नहीं कहा है, कॉन्सोनेंट लेटर। तो आप यहाँ पर एल 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 की रिपीटेशन हो रही है ये नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ल की साउंड, ल की साउंड, ल की साउंड, क्योंकि साउंड ही चेक करना है अपने को। रिपीटेशन होगी अगर तो साउंड की होगी, लेटर की नहीं होगी, ठीक है ना। तो किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड की किसी भी नियर, कहीं भी नियर बाई वर्ड्स में किसी भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में अगर उसकी रिपीटेशन होती है जो जनरली स्ट्रेस सिलेबल होना ज़रूरी है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अलिट्रेशन कहेंगे। इट इज़ यूजुअली अप्लाइड ओनली व्हेन द रिकरेंट साउंड अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड और ऑफ अ स्ट्रेस्ड सिलेबल विद इन अ वर्ड। जनरली जो सामान्य तौर से, यूजुअली सामान्य रूप से, इट इज़ यूजुअली अप्लाइड, सामान्य रूप से अलिट्रेशन हम उस चीज़ को कहेंगे या सामान्य रूप से अलिट्रेशन वाली सिचुएशन वहाँ पर अप्लाई होगी, वहाँ पर लागू होगी, व्हेन, जब, व्हेन द रिकरेंट साउंड अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। जब भी किसी शब्द के प्रारंभ में कोई रिकरेंट साउंड, बार बार रिकरेंट वहाँ पर अकर होगी, अकर का मतलब आना, वहाँ पर आएगी बार बार। ये देखिए आप, ये एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, तो ये बिगिनिंग ऑफ वर्ड है, यहाँ पर भी बिगिनिंग ऑफ वर्ड में ल की साउंड है, यहाँ पर भी बिगिनिंग ऑफ वर्ड में ल की साउंड है, यहाँ पर भी बिगिनिंग ऑफ वर्ड में ल की साउंड है। तो किसी भी वर्ड की बिगिनिंग में अगर कोई साउंड अकर हो रही है रिकरेंट फॉर्म में, रिकरेंट फॉर्म में मतलब बार बार आना किसी चीज़ का, तो किसी चीज़ का बार बार आना, तो ल की साउंड बार बार आ रही है ना यहाँ पे, यहाँ पर भी ल की साउंड, यहाँ पर भी ल की साउंड, यहाँ पर भी ल की साउंड, तो ल की साउंड इन तीनों ही शब्दों की प्रारंभ में रिकरेंट फॉर्म में आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन को भी हम अलिट्रेशन कहते हैं। और या फिर ऑफ अ स्ट्रेस्ड सिलेबल विद इन अ वर्ड, या फिर किसी भी एक वर्ड में स्ट्रेस्ड सिलेबल के रूप में भी अगर इस तरह से कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है तो उसे भी हम अलिट्रेशन कहेंगे। स्ट्रेस्ड सिलेबल के रूप में भी अगर कहीं पर कोई इस तरह की साउंड आती है स्ट्रेस्ड पैटर्न में, रिपीटेशन के फॉर्म में, तो उसे भी हम अलिट्रेशन कहेंगे। तो ये होता है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन इज़ यूज टू क्रिएट अ प्लीजेंट साउंड पैटर्न एंड टू इंटेंसीफाई अवर इमोशंस सो एज टू क्रिएट अ चार्मिंग साउंड इन अ पोएटिक लाइन। अलिट्रेशन का इस्तेमाल एक प्लीजेंट साउंड को क्रिएट करने के लिए किया जाता है दोस्तों। प्लीजेंट का मतलब जो हमें आनंद दे, है ना, सुहावना जो हमें लगे। जैसे पोइट्री वगैरह में कई बार इस तरह की अलिट्रेशन वगैरह को यूज़ किया जाता है ना, पोइटिक लाइन्स वगैरह में कई बार। तो केवल अब क्योंकि पोइट्री को गाया जाता है ना, तो जब वो चीज़ को गाया जाता है तो हमें वो चीज़ बड़ी प्लीजेंट लगे, हमें वो चीज़ बड़ी अच्छी लगे, सुहानी लगे, हमारा अटेंशन जो है उसकी तरफ ड्रॉ हो, हमें वो चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव लगे, तो इसीलिए जो है इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो अलिट्रेशन को यूज़ करने का पर्पज़ सिर्फ इतना सा होता है, एक प्लीजेंट साउंड पैटर्न को किसी लाइन में, कि स्पेशली किसी पोइटिक लाइन में इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि उस लाइन में प्लीजेंट साउंड पैटर्न क्रिएट किया जा सके। एंड या फिर कभी कभी इसका उद्देश्य ये भी होता है टू इंटेंसीफाई अवर इमोशंस, हमारे इमोशंस को इंटेंसीफाई करना, हमारे इमोशंस को जो है उत्तेजित करना। भाई जैसे अपन कोई पोइट्री पढ़ रहे हैं तो उस पोइट्री में अगर मान लीजिए कोई अलिट्रेशन वाला फॉर्म अगर यूज़ हुआ तो कई बार 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 जब एक साउंड बार बार रिपीट होती है तो हमें वो लाइन अच्छी लगती नहीं लगती, क्योंकि हमारा ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, हमारे इमोशंस इंटेंसीफाई करने के लिए ऐसा किया जाता है किसी पोइट के द्वारा।
सो एज टू क्रिएट अ चार्मिंग साउंड इन अ पोइटिक लाइन, ताकि ऐसा करके वो फला जो भी पोइट उस पोइट्री को लिख रहा है उस पोइटिक लाइन में एक चार्मिंग साउंड, एक आकर्षक ध्वनि को उत्पन्न कर सके। और यही जो है अलिट्रेशन को यूज करने का पर्पज़ होता है किसी पोइट का अपनी पोइटिक लाइन में, है ना। क्या करने के लिए? प्लेजेंट साउंड पैटर्न क्रिएट करने के लिए, हमारे इमोशंस को इंटेंसीफाई करने के लिए, ताकि उस पोइटिक लाइन में एक चार्मिंग साउंड क्रिएट किया जा सके और हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। बस इन 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में अलिट्रेशन वॉज यूज इन इंग्लिश वर्सिफिकेशन ओनली फॉर स्पेशल स्टाइलिस्टिक इफेक्ट्स। 16वीं शताब्दी में विशेषकर अगर हम बात करें तो उस समय में अलिट्रेशन का इस्तेमाल इंग्लिश वर्सिफिकेशन यानी इंग्लिश पोइट्री में किया जाता था ओनली फॉर, केवल और केवल इस पर्पज़ के लिए, फॉर स्पेशल स्टाइलिस्टिक इफेक्ट्स, केवल कुछ विशेष शैलीगत प्रभावों को क्रिएट करने के लिए, भाई कुछ स्पेशल स्टाइलिस्टिक इफेक्ट्स डालने के लिए ही पोइट्री में अलिट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता था 16th सेंचुरी में। इसके अलावा इसका कोई पर्पज़ नहीं होता था। और किस तरह का स्टाइलिस्टिक इफेक्ट्स? सच एज टू रीइंफोर्स द मीनिंग, जैसे कि किसी भी एक शब्द के अर्थ पर या किसी भी एक लाइन के अर्थ पर जोर देना, रीइंफोर्स करना उसको, है ना, उसके ऊपर जोर देना। टू लिंक रिलेटेड वर्ड्स, जैसे जो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं या जो शब्द आपस में रिलेट करते हुए हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, उनको जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और टू प्रोवाइड टोन कलर, या फिर जो है एक ध्वनि में आकर्षक साउंड डालने के लिए भी जो है इसका यूज़ किया जाता था। टोन कलर, टोन कलर से मतलब यहाँ पर कलर वो वाला कलर से नहीं है, टोन कलर मतलब जो चीज़ सुनने में हमें अच्छी लगे, है ना। तो एक अच्छा प्लेजेंट साउंड क्रिएट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था 16th सेंचुरी में। तो 16th सेंचुरी में अलिट्रेशन को यूज़ करने का पर्पज़ केवल इतना सा ही था, ताकि पोइट्री में स्पेशल स्टाइलिस्टिक इफेक्ट्स डाले जाएँ, जैसे कि मीनिंग के ऊपर जोर देने के लिए, रिलेटेड वर्ड्स को आपस में लिंक करने के लिए, या एक अच्छी ध्वनि उसमें प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि इससे हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो और राइटर या पोइट अपनी बात को स्पेशल तरीके से, प्रभावशाली तरीके से हमारे सामने रख सके। बस इसीलिए इसका यूज़ किया जाता था 16th सेंचुरी में। अलिट्रेशन हैज़ बीन द फीचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स। अलिट्रेशन जो है पुराने इंग्लिश के शब्दों की एक बहुत बड़ी विशेषता रहा है, एंड इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मॉडर्न पोइट्री बिकॉज इट सून अरेस्ट्स आवर अटेंशन। और मॉडर्न एज की पोइट्री में भी इसका अधिकाधिक फ्रीक्वेंटली बार बार इस्तेमाल किया गया है, वो इसलिए बिकॉज इट सून अरेस्ट्स आवर अटेंशन, क्योंकि जैसे ही हम इसे पढ़ते हैं अलिट्रेशन वाली लाइन को या अलिट्रेशन वाले वर्ड्स को जब पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान तुरंत इसकी तरफ अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट का मतलब खींचा चला जाता है ना, गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार हो जाता है मतलब हम बंध जाते हैं उसके प्रभाव में, है ना। तो ये है यहाँ पर अलिट्रेशन की फीचर। भाई पुराने जो इंग्लिश के वर्ड्स रहे हैं ना, पुराने इंग्लिश के वर्ड्स में भी जो है अलिट्रेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। पुराने टाइम पर बहुत ज़्यादा अलिट्रेशन वाले वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था, या दो तीन ऐसे शब्द जिनमें सेम साउंड रिपीट हो रही है, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था, ताकि ऑडियंस का ध्यान उसकी तरफ खींचे, ऑडियंस का ध्यान वहाँ पर अट्रैक्ट हो और ऑडियंस को वो चीज़ अच्छी लगे, तो इसलिए भी जो है अलिट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पुराने अंग्रेजी के शब्दों की बहुत बड़ी विशेषता रहा है अलिट्रेशन। और मॉडर्न एज की पोइट्री को अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर तो आपको बार बार अलिट्रेशन का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारा ध्यान उस चीज़ की तरफ आकर्षित होता है जहाँ पर पोइट चाहता है कि हम ध्यान दें बार बार। इट इज़ समटाइम्स फाउंड इन द फ्रेजेज ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। और यही कारण है कि क्योंकि ये हमारा ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित करता है अलिट्रेशन, इसीलिए एडवर्टाइजिंग मीडिया में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट मतलब ये विज्ञापन वगैरह जो आते हैं ना टीवी वगैरह में, तो विज्ञापन वगैरह की जो लाइंस होती है उन लाइंस में भी, उन फ्रेजेस में भी अलिट्रेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ होता है जिनमें कॉन्सोनेंट साउंड्स बार बार रिपीट होते हैं, और बार बार रिपीट वो इसीलिए करते हैं, जानबूझ करके इसीलिए करते हैं, ताकि हमारा ध्यान उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो, ठीक है ना। इसीलिए जो है
वहाँ पर ऐसा किया जाता है. इट इज़ परहैप्स द सीक्रेट ऑफ द कंटिन्यूड पॉपुलरिटी ऑफ प्रोवर्ब्स. शायद यही कारण है जिस वजह से प्रोवर्ब्स यानी कि जो कहावतें हैं उनमें इतनी लोकप्रियता अपने को देखने को मिलती है. परहैप्स इट इज़ द सीक्रेट ऑफ द कंटिन्यूड पॉपुलरिटी ऑफ प्रोवर्ब्स. शायद जो कहावतें हैं उनकी जो लोकप्रियता है उनकी लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ा कारण शायद यही है, यानी कि अलिट्रेशन ही है. अलिट्रेशन अपने को प्रोवर्ब्स में भी देखने को मिलती हैं दोस्तों. इंग्लिश प्रोवर्ब्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारी प्रोवर्ब्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें सेम साउंड की जो है रिपीटेशन होती है, सेम साउंड की. काफ़ी सारी प्रोवर्ब्स ऐसी हैं जिनमें आपको एक ही कॉन्सोनेंट साउंड बार बार जो है रिपीट होती हुई नज़र आ जाएगी. तो हो सकता है शायद प्रोवर्ब्स को भी लोग इसीलिए पसंद करते हों. कई सारे लोग अपने शब्दों में या बोलने के तरीकों में बार बार जो है कहावतों का इस्तेमाल करते हैं, प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं. तो इनकी जो लोकप्रियता है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है, हो सकता है शायद वो इसीलिए हो क्योंकि इनमें अलिट्रेशन का यूज़ किया जाता है ना. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ लाइन्स यहाँ पर लिखी हुई है जिनमें अलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप. अब इस पूरी लाइन में आप देखिए कौन सी साउंड की रिपीटेशन हो रही है, बताइए मुझे. ल, लुक बिफोर यू लीप. तो ल, लुक, और लुक में ल, लीप में ल, लुक बिफोर यू लीप. तो ल ल ये दो बार आ गया ना, तो ज़्यादा बार कौन सी साउंड आई, ल वाली साउंड. तो इसका मतलब यहाँ पर ल की रिपीटेशन हो रही है, तो ये अलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा. अगली लाइन में देखिए, सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी. सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी. अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लॉन्ग में ल, लिव में ल, दिस में द, दिस में द, उसके बाद में लाइफ में ल, और वापस दी में द. द भी रिपीट हो रहा है और ल भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी रिपीटेशन मतलब सॉरी इसकी अलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा. दोनों 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 इसके एग्जाम्पल हैं. ल भी इसका एग्जाम्पल है, द भी इसका एग्जाम्पल है. हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल एक आ रहा है तो एक को ही मानेंगे, दूसरे को नहीं मानेंगे. दो आ रहा है तो दोनों दोनों को माना जाएगा. द वाली साउंड की भी रिपीटेशन हो रही है और ल वाली साउंड की भी रिपीटेशन हो रही है, तो ये दोनों जो है अलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. नेक्स्ट देखिए, अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म ऑफ फेट. अ स्ट्रॉन्ग मैन, यहाँ पे स, फिर स्ट्रगलिंग में स, विद अ स्टॉर्म में स, तो ये स वाली साउंड की यहाँ पर रिपीटेशन हो रही है, ये अलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा. अगला है, ऑफ ऑफ फेयर ब्रिज फ्लोज द वाइट फॉर्म फ्लो. ऑफ फेयर ब्रिज, ऑफ ऑफ, इसमें फ वाली साउंड को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, नहीं होता है. ऑफ ऑफ अव होता है इसका प्रोनंसिएशन, ऑफ नहीं होता. अव, फेयर, फेयर में आ रहा है फ, फ्लोज में फ, फॉर्म में फ, और फ्लो में फ, तो फ वाली साउंड की यहाँ पर रिपीटेशन हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर अलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगी ये, ठीक है ना. इस तरह से हम किसी भी लाइन में जो है देखते हैं कि नियर बाई वर्ड्स में, सीक्वेंस में कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन हो रही है अगर, तो उसको आप क्या कहोगे, अलिट्रेशन कहोगे. क्लियर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन इन शेक्सपियर सोनेट इज फॉलोइंग. विलियम शेक्सपियर के सोनेट की एक दो लाइन्स यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसमें भी आप जो है अलिट्रेशन का एग्जाम्पल देखिए. एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट. अब यहाँ पर देखिए, वेंट टू द से, 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 सेशंस, से, से, श, यहाँ तो श आ गया, तो से, स्वीट साइलेंट, फिर उसके बाद में थो, फिर नीचे थिंग, और नीचे वाले समन में स, तो एक तो स और एक थ. भाई सेशन में स, स्वीट में स, साइलेंट में स, और नीचे समन में स,
तो स वाली साउंड, एक तो स की रिपीटेशन हो रही है और एक ऊपर देखिए आप थ, थॉट में थ और नीचे थिंग्स, थिंग्स में थ, तो ये जो है रिपीटेशन का एग्जांपल हो जाएगा। इस तरह से देखना पड़ता है अपने को। आप एक बार गौर करोगे ना अगर एक बार, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह से अपने को जो है यहाँ पर देखना है। नहीं होता वैसे इतना ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ता है, ये क्लियरली अपने को पहचानने में आ जाता है, थोड़ा सा गौर करते हैं ना तो उसमें पहचान लोगे आप। चलिए ठीक है भाई, ये तो बात कर ली हमने किसके बारे में, अलिट्रेशन के बारे में। अलिट्रेशन यहाँ पर ख़त्म हो गया है, यहाँ पर अलिट्रेशन ख़त्म हो गया है, बस इससे ज़्यादा अलिट्रेशन में और कुछ भी नहीं आता है, बस यही है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, पर्पज़ क्या होता है, बस यही अपने को ध्यान रखना है अलिट्रेशन में। केवल हमारे इमोशंस को इम्प्रेस करने के लिए पोएट इसका, हाँ आकर्षित करने के लिए, हमारे ध्यान को खींचने के लिए इसका इस्तेमाल करता है कोई भी पोएट अपनी राइटिंग में। ये तो हो गया अलिट्रेशन, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है। अब यहाँ पर अब बात करते हैं अपन असोनेंस के बारे में। असोनेंस एक अलग फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, अलिट्रेशन एक अलग फिगर ऑफ स्पीच है, असोनेंस एक अलग फिगर ऑफ स्पीच है ना, इन दोनों में फ़र्क है। अलिट्रेशन अलग है, असोनेंस अलग है, लेकिन असोनेंस मैं यहाँ पर आपको केवल इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इसी से मिलता जुलता है ना, या फिर यूँ कहें कि इसी का जस्ट अपोजिट है, इसी का जस्ट अपोजिट है। जैसा कि अलिट्रेशन में हमने पढ़ा है कि इसमें कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है, तो बिल्कुल अलिट्रेशन की तरह ही असोनेंस में भी साउंड की रिपीटेशन होती है, लेकिन यहाँ पर वाउल साउंड की रिपीटेशन होती है। वाउल साउंड यहाँ पर तो होती है कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन, और असोनेंस में होती है वाउल साउंड की रिपीटेशन। क्लियरली वाउल साउंड की रिपीटेशन अगर कहीं पर हो रही है तो वहाँ पर आप क्या कहोगे, असोनेंस फिगर ऑफ स्पीच का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है? अब इसमें भी जो फंक्शन इसमें रहेगा वही फंक्शन इसमें रहेगा, सेम सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी। इसमें जो फंक्शन पर्पज़ रहता है इसमें भी वही फंक्शन पर्पज़ रहेगा, है ना। यानी पोइट अगर अपनी पोइट्री में असोनेंस का अगर यूज़ करेगा तो वही हमारे इमोशंस को इंटेंसिफाई करने के लिए, हमारे ध्यान को आकर्षित करने के लिए, अपनी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, है ना, इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए। केवल अपने को इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट की जगह वाउल साउंड की रिपीटेशन होगी, दैट्स इट। क्लियर है? देखिए इन कॉन्ट्रास्ट टू अलिट्रेशन, अलिट्रेशन के कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, अलिट्रेशन के विरोधाभास में अगर हम देखें, यानी इसके अपोजिट में अगर हम देखें, भाई ये तो है अलिट्रेशन और असोनेंस इसका जस्ट अपोजिट होता है ना, तो इसके अपोजिट अगर हम देखें अलिट्रेशन के विरोध में, या अलिट्रेशन के अपोजिट अगर हम बात करें, वी हैव अनदर रिटोरिकल डिवाइस, हमारे पास एक और इसी से मिलती जुलती एक और रिटोरिकल डिवाइस है, हमारे पास इसी से मिलती जुलती एक और रिटोरिकल डिवाइस है। रिटोरिकल का मतलब कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ को बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको बोलते हैं रिटोरिकल। किसी भी बात को बताने के लिए या कहने के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है, कोई मैसेज देने के लिए जब किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको रिटोरिकल कहते हैं अपन। जिसका यानी कोई भी चीज़ अगर आप बता रहे हो, कोई भी चीज़ आप अगर लिख रहे हो, तो उसके माध्यम से केवल एक संदेश आप अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो किसी भी तरह से, जिसका जवाब आप एक्सपेक्ट नहीं करते। कोई भी बात आपने कही तो उसका जवाब आपको चाहिए नहीं, एक जवाब आपको नहीं चाहिए, जवाब आप एक्सपेक्ट नहीं करते, केवल कुछ कहना चाहते हो, केवल किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना चाहते हो, उसको कहते हैं रिटोरिकल। अब ये क्या है, अलिट्रेशन के जस्ट अपोजिट हमारे पास एक और रिटोरिकल डिवाइस होती है जिसे हम असोनेंस के नाम से जानते हैं। असोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वाउल साउंड्स। अब असोनेंस में क्या होता है, असोनेंस इज द रिपीटेशन, इसमें पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होती है किसकी, ऑफ आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, एक जैसे, बिल्कुल सेम वाउल साउंड की, यानी कि जैसे डबल ओ आ गया, है ना, या तो सेम वाउल साउंड आ जाएंगे, या फिर भाई जैसे यहाँ पर भी एक वर्ड में भी डबल ओ आ गया, उधर भी
डबल ओ आ गया है ना, तो या तो सेम वाउल साउंड्स आ जाएंगे या फिर सिमिलर वाउल साउंड्स आएंगे, यानी कि जो कुछ हद तक समान होंगे, या तो सेम टू सेम आ जाएंगे या फिर उसी के समान उसी के जैसे मिलते जुलते वाउल साउंड्स की रिपीटेशन होती है, या तो आइडेंटिकल या फिर सिमिलर वाउल साउंड्स की इसमें रिपीटेशन होगी असोनेंस में, स्पेशली इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। और विशेष रूप से ये किस फॉर्म में होते हैं, स्ट्रेस्ड सिलेबल में होते हैं। ये देखिए अलिट्रेशन में भी हमने यही पढ़ा था, अलिट्रेशन में भी जनरली वो सिलेबल जो रहेगा वो स्ट्रेस्ड फॉर्म में रहेगा, असोनेंस में भी जनरली वो सिलेबल जो रहेगा वो स्ट्रेस्ड फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होगी, यहाँ पर वाउल साउंड की रिपीटेशन होगी, तो उसे हम जो है असोनेंस कहेंगे। और कहाँ पर, वही इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, वही पास में लिखे हुए शब्दों के सीक्वेंस में, यहाँ पर भी वही नियर बाई वर्ड्स में सीक्वेंस में इसकी रिपीटेशन होती है कॉन्सोनेंट साउंड की, यहाँ पर भी नियर बाई वर्ड्स में एक प्रॉपर सीक्वेंस में इसकी रिपीटेशन होगी वाउल साउंड की, ठीक है ना। सब कुछ बिल्कुल अलिट्रेशन के जैसे ही है, केवल ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होगी या वाउल साउंड की रिपीटेशन होगी, बाकी सेम टू सेम है सारा का सारा। यहाँ पर भी वही नियर बाई वर्ड्स में आएंगे, ये भी नियर बाई वर्ड्स में आएगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आएगा, स्ट्रेस्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्ट्रेस फॉर्म में होना चाहिए। इसका यूज़ भी इमोशंस को इंटेंसिफाई करने के लिए किया जाता है, इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है, हमारे ध्यान को जो है खींचने के लिए किया जाता है, बस और कुछ भी नहीं है यहाँ। देखिए भाई, एन एग्जाम्पल ऑफ असोनेंस इन जॉन कीट्स ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न इन इज फॉलोइंग। अब देखिए एक एग्जाम्पल असोनेंस का भी देख लेते हैं हम, जैसे कि जॉन कीट्स की एक पोएम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, तो इस पोएम की दो लाइंस यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसमें आप जो है असोनेंस के एग्जाम्पल को ढूंढ करके देखिए, नीचे लिखी हुई है लाइन्स, दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। अब देखो यहाँ पर तो हमें ऊपर अलिट्रेशन में तो हमने किसको ढूंढा था, कॉन्सोनेंट साउंड्स को। अब यहाँ पर आप एक एक वर्ड को चेक करके देखिए क्या आइडेंटिकल या सिमिलर साउंड्स, वो भी कौन सी, वाउल की, सिमिलर या आइडेंटिकल वाउल साउंड्स अगर आ रही है क्या, और अगर आ रही है तो पहचानिए और पहचान करके असोनेंस को फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए आप दाऊ को बोल करके देखिए, दाऊ दाऊ, अब इसमें से द को हटा दीजिए क्योंकि द तो कॉन्सोनेंट साउंड हो गई, आऊ आऊ नहीं है, स्टिल स्टिल में ई ई है, ई स्टिल ई, अनरेविश रेवी ई ई है, ब्राइड ब्राइड में क्या है, आई आई, क्वाइट क्वाइटनेस क्वाई, यहां पर भी आई, इसके नीचे आओ दाऊ आऊ, फोस्टर चाई चाइल्ड चाइल्ड में भी क्या आ रहा है, आई आई आ रहा है ना आई, उसके बाद में साइलेंस साइलेंस में भी आई। अब यहां पर आप ए ई आई ओ यू को नोटिस मत करना, असोनेंस अगर कहीं पर ढूंढने को कहा जाए तो ए ई आई ओ यू आप वाउल ढूंढने लग जाओ, यार यहां पर भी आई आ रहा है यहां पर भी आई आ रहा है, नहीं आई आई नहीं देखना है अपने को, वो तो लेटर हो गया, क्योंकि साउंड देखनी है ना अपने को, तो आप ए ई आई ओ यू को नोटिस मत करना, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेटर को नहीं देखना है अपने को, मैं अभी भी कह रहा हूं। अलिट्रेशन ढूंढने के लिए कहा जाए तो एक तो ए बी ये इसको एल एम टी यू वाई डी इनको मत ढूंढना है ना, साउंड देखनी अपने को। तो यहां पर भी अपन क्या देख रहे हैं, साइलेंस आई, स्लो ओ ओ की साउंड आ रही है, टाइम आई आई की साउंड आ रही है। पूरे वर्ड को बोल करके देखिए आप, जब आप पूरे वर्ड को बोलोगे तो उसमें से कॉन्सोनेंट को अलग कर दीजिए, बाकी बचा जो साउंड रहेगा वो किसका रहेगा, वाउल साउंड रहेगा। जैसे टाइम टाइम में ट और म ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसको हटा दीजिए तो बचा क्या, आई। तो इस तरह से जो है अपने को वाउल साउंड देखना होता है हर वर्ड में। जैसे दाऊ दाऊ में द हटा दीजिए, आऊ बचा आऊ, ये वाउल साउंड हो गया। स्टिल में स ट और ल को हटा दीजिए, क्या बचा, ई, ये ईस, ये वाउल साउंड हो गया। अन अन में अ, ये वाउल साउंड। रेविश्ट रेविश्ट में र हटा दीजिए, व हटा दीजिए, श हटा दीजिए, ड हटा दीजिए, क्या बचा, ई। तो इस तरह से जो है वाउल साउंड देखा जाता है।
अब रिपीटेशन वाउल साउंड की कहां पर हो रही है, देखिए आप, ब्राइड इसमें आई, क्वाइटनेस में क्वाई, चाइल्ड में चाई, साइलेंस में साई, टाइम में टाई, तो आई आई वाली साउंड की रिपीटेशन हो रही है ना, तो ये जो है ये जो होगा ये असोनेंस कहलाएगा, असोनेंस का एग्जांपल है ये, क्योंकि यहाँ पर वाउल साउंड की रिपीटेशन हो रही है और ऊपर हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन, वहाँ पर हमने कॉन्सोनेंट साउंड को ढूंढा था जहाँ पर उसकी रिपीटेशन हो रही है, यहाँ पर हमने वाउल साउंड को ढूंढा है जहाँ पर वाउल साउंड की रिपीटेशन हो रही है, क्लियर है। हालांकि यहाँ पर दाऊ दाऊ इसमें आउ आउ भी आ सकता है, ये भी एक जो है असोनेंस का एग्जाम्पल हो सकता है, आउ आउ हो रहा ना रिपीट, तो इस तरह से बस, बाकी तो इसमें कुछ भी और ऐसा नहीं है जहाँ पर वाउल साउंड की रिपीटेशन हो रही हो, बाकी एक तो ये आई वाला एग्जाम्पल और ये आउ वाला एग्जाम्पल, ये यहाँ पर असोनेंस के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, तो ये होता है असोनेंस और ये आपका अलिट्रेशन कम्प्लीट, ठीक है ना।